सो हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हम लोग ने बात किया था रिस्टोरिंग डिवीजन मेथड। और रिस्टोरिंग डिवीजन मेथड में अगर आप याद करेंगे तो पहले दो स्टेप जो थे इटरेशन में वो था कि लेफ्ट शिफ्ट करके ए माइनस एम करो, एंड अगर ए माइनस एम करने के बाद हमको नेगेटिव नंबर आया तो ए प्लस एम करके वैल्यू रिस्टोर करना था, और अगर नेगेटिव नहीं आ रहा देन वी वुड गो अहेड विद द नॉर्मल स्टेप। सो नेगेटिव नंबर आने पे हमें बार बार रिस्टोर करना पड़ रहा था, तो एक ऑप्टिमम मेथड यहाँ पे है नॉन रिस्टोरिंग मेथड। तो ये नॉन रिस्टोरिंग मेथड में सबसे पहला देख लेते हैं अल्गोरिदम क्या है। तो अल्गोरिदम में सबसे पहला हमको दिया हुआ है कि हम इनिशियलाइजेशन सेम तरीके से करेंगे। पहला हम ए ज़ीरो डिफाइन कर देंगे, जो भी डिविडेंड रहेगा उसको हम क्यू ले लेंगे, डिवाइजर हमारा एम रहेगा। तो यहाँ पे हमारे केस के लिए वंस अगेन हम सेम एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने रिस्टोरिंग डिवीजन के लिए किया था। सो इनिशियलाइजेशन में हमारे पास है ए इक्वल टू जीरो, क्यू डिविडेंड हो गया, एम डिवाइजर हो गया, और काउंट यहाँ पे हो जाएगा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ बिट्स हम यूज़ कर रहे हैं डिविडेंड डिवाइजर को रिप्रेजेंट करने के लिए। नाउ इनिशियली वील नोट दिस साइन बिट ऑफ ए, ये याद रखना है क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग हो जाता है थोड़ा सा। साइन बिट ऑफ ए अभी ही नोट करके रखो, इटरेशन स्टार्ट करने से पहला जो वैल्यू है उसका साइन बिट की वैल्यू क्या है, एंड देन लेफ्ट शिफ्ट इट, क्योंकि लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद शायद वैल्यू क्या हो सकती है उसकी, चेंज हो सकती है। तो कई लोग चेंज वैल्यू का साइन बिट नोट करते, साइन बिट देख के आगे सॉल्व करते हैं, एंड वहाँ पर वो गलत हो जाते हैं। देन बेस्ड ऑन अगर वो जीरो है कि वन है, हम लोग ए प्लस एम या फिर ए माइनस एम करते हैं। तो अगर साइन बिट वन है मतलब वो नेगेटिव नंबर है तो हम प्लस एम करेंगे, अगर नॉन नेगेटिव नंबर है तो हम माइनस एम करेंगे। नाउ आफ्टर डूइंग दिस वंस अगेन विल चेक कि साइन बिट क्या आया मॉडिफाइड ए के वैल्यू का, और यहाँ पे अगर वो पॉजिटिव नंबर है यानी उसका साइन बिट जीरो है तो जो क्यू नॉट खाली हो जाता है उसकी जगह पे हम वन पुट कर देंगे, और अगर वो नेगेटिव नंबर है तो क्यू नॉट की जगह पे हम जीरो पुट कर देंगे। सो अगर वन है तो जीरो पुट करना है, जीरो है तो वन पुट करना है, इस तरह से आप याद रख सकते हो। काउंट डिक्रीमेंट करेंगे, अगर काउंट जीरो हो गया या काउंट स्टिल ग्रेटर देन जीरो है तो वी विल रीडू दिस इटरेशन। अगर काउंट जीरो हो गया यानी सारे इटरेशन खत्म हो गया तो हम वापस से जो फाइनल आंसर आया उसका साइन बिट देखेंगे, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज, ये खाली लास्ट में हमको एक बार करना है, और अगर वो पॉजिटिव नंबर है साइन बिट जीरो है तो हम डायरेक्टली स्टॉप कर देंगे, लेकिन अगर साइन बिट वन है मतलब आंसर नेगेटिव है तो हम सिर्फ एक बार यहाँ पे रिस्टोर करते हैं, एंड उसके लिए हम ए विल बी इक्वल टू ए प्लस एम करने वाले, एंड आफ्टर दिस स्टॉप, रिजल्ट हमारा ए और क्यू में रहेगा, क्यू में क्वेश्चन आ जाएगा, ए में रिमाइंडर रहेगा। सो यहाँ पे डिफरेंस आई होप आपको समझ में आ गया कि रिस्टोरिंग डिवीजन में हर एक स्टेप में हम रिस्टोर करते थे इफ नीडेड, नॉन रिस्टोरिंग में हम सारा इटरेशन कंप्लीट करने के बाद चेक करते हैं साइन बिट, और अगर जरूरत है तो यहाँ पे एक बार हम रिस्टोर करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। ए हम डिफाइन कर देंगे यहाँ पे फोर जीरोस, क्यू यहाँ पे डिविडेंड है विच इज सेवन, तो सेवन विल बी रिटर्न एज ट्रिपल वन और साइन बिट के लिए जीरो। एम यहाँ पे डिवाइजर है विच इज थ्री, सो थ्री के लिए आ जाएगा जीरो जीरो वन वन। हमें ए प्लस एम और ए माइनस एम करना है तो माइनस भी हम टूज कॉम्प्लीमेंट के मेथड से करेंगे, तो माइनस एम टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिख देंगे इसको, तो पहला वन एज इट इज आ जाएगा, बाकी सब इन्वर्ट हो जाएगा यानी वन वन जीरो वन, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यूज यहाँ पे लिख देते, पहला वैल्यू हो गया ए, दूसरा हो गया क्यू का वैल्यू, ए की वैल्यू है जीरो, क्यू की वैल्यू है जीरो ट्रिपल वन, ठीक है। ये हमारी हो गई इनिशियल वैल्यूज, और हमें यहाँ पे चार इटरेशन परफॉर्म करना है, चार बिट यूज कर रहे हैं इसलिए। अब सबसे पहला चीज इन लोग ने क्या बोला है कि आप नोट करके रखो साइन बिट क्या है ए का। सो ए का साइन बिट यहाँ पे जीरो है मतलब वो पॉजिटिव नंबर है, और अब आप क्या करो लेफ्ट शिफ्ट कर लो ए और क्यू को। लेफ्ट शिफ्ट मतलब यहाँ पे बिट्स इस बार जो शिफ्ट हो जाएंगे, ये वाला जीरो इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये जीरो इधर आ जाएगा, ये लास्ट वाला जीरो विल कम ओवर हियर, और ये तीन वंस शिफ्ट हो जाएंगे एक एक प्लेस, और जो लास्ट वाला बिट है विच विल बी नथिंग बट क्यू नॉट वाला बिट, वो यहाँ पे ब्लैंक रहेगा फिलहाल के लिए। तो हमने यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म कर लिया है। अब रिकॉल करो कि साइन बिट क्या था, ठीक है। तो अब आप ये नया वाला नहीं देखना है, पुराने वाले वैल्यू देखना है। तो पुरानी वाली वैल्यू में ए के साइन बिट क्या है, जीरो है, और अगर साइन बिट जीरो है तो हम क्या करेंगे, ए माइनस एम। तो माइनस एम हमने लिखा हुआ है एज डबल वन जीरो वन, तो माइनस एम परफॉर्म करके आ जाएगा हमको वन वन जीरो वन। और अब हम चेक करेंगे साइन बिट ऑफ न्यू ए, जो हमें नया ए मिला है उसका साइन बिट। तो साइन बिट ऑफ न्यू ए यहाँ पे क्या है भाई साहब, तो वो वन है,
तो वन है तो जो क्यू नॉट खाली था उसके जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, जीरो. सो पहला तीन वन तो ऊपर से ही ले लिया, लास्ट वाला बिट हमने पुट कर दिया जीरो. तो हमने परफॉर्म किया है ए इज इक्वल टू ए माइनस एम और हमने क्यू नॉट को पुट कर दिया जीरो. नाउ आफ्टर डूइंग दिस फर्स्ट इटरेशन अब हम काउंट डिक्रीमेंट करेंगे. काउंट कितना हो गया, थ्री. इस काउंट ग्रेटर देन जीरो, यस. वंस अगेन आ जाओ और साइन बिट नोट कर लो ए का. तो ये वाला जो साइन बिट है अब ये इनिशियल साइन बिट हो जाएगा ए का, जो हमें याद रखना है. और अब हम क्या परफॉर्म करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट. तो लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ये वन इधर आ जाएगा, ये जीरो इधर आ जाएगा, ये वन इधर आ जाएगा, यहाँ से भी एक वन आ जाएगा. देन यू हैव टू वन्स एंड जीरोस और क्यू नॉट बिट फिलहाल के लिए हम एम्प्टी रखेंगे. तो शिफ्ट लेफ्ट करने के बाद में अब आप याद करो साइन बिट क्या था. तो साइन बिट यहाँ पे हमने देखा है क्या है, वन है. सो वन के लिए हम यहाँ पे ए प्लस एम करने वाले. तो एम की वैल्यू है 0011, इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पे. सो वन वन विल गिव अस जीरो, कैरी वन. तीन बार वन मतलब सम भी वन हो जाएगा और कैरी भी वन हो जाएगा. सो ये भी वन आ जाएगा, ये भी वन आ जाएगा. एंड अब अगर आप साइन बिट चेक करोगे तो साइन बिट जब हम देख रहे हैं यहाँ पे तो क्या है, वन है. तो क्यू की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते, 110 था. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा. सो व्हाट वी हैव परफॉर्म, वी हैव परफॉर्म ए प्लस एम. और ए प्लस एम करने के बाद में क्यू नॉट की वैल्यू को हमने जीरो पुट कर दिया. अब एक और इटरेशन खत्म हो गया. सो एन इज इक्वल टू टू हो जाएगा यहाँ पे. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, काउंट डिक्रीमेंट करके टू आ गया. टू ग्रेटर देन जीरो है क्या, यस. सो वंस अगेन कम बैक, वो अगेन आप साइन बिट नोट करके रखो. साइन बिट यहाँ पे वन ही है. और हम परफॉर्म करेंगे अब लेफ्ट शिफ्ट. तो लेफ्ट शिफ्ट करने पे हमें ये वंस वन जीरो इधर आ जाएगा और यहाँ वाला वन इस बाजू आ जाएगा. देन वी विल हैव 100 और लास्ट वाला क्यू नॉट बिट हम आगे डिसाइड करेंगे क्या आएगा. नाउ आफ्टर डूइंग दिस लेफ्ट शिफ्ट, याद करो कि पहला बिट क्या था यहाँ पे, साइन बिट क्या था, वन है. तो ये वन है तो उसके वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमको करना पड़ेगा ए प्लस एम. सो प्लस एम वंस अगेन है 0011, वो हम यहाँ पे पुट कर लेते, ऐड कर लेते. वन वन विल गिव अस जीरो, कैरी वन. अगेन वन वन विल जीरो गिव अस कैरी वन. वन वन विल गिव जीरो, कैरी वन. वन वन विल गिव अस जीरो और ये कैरी वन आ रहा है बट इसको हम डिस्कार्ड कर देते. हमने यहाँ पे परफॉर्म कर लिया ए प्लस एम. नाउ आफ्टर डूइंग ए प्लस एम नेक्स्ट पार्ट क्या है, साइन बिट चेक करना है ए का. तो रिसेंट वैल्यू जो ए का आई है उसका साइन बिट क्या है, जीरो. और जीरो आएगा तो यहाँ पे जो लास्ट वाला बिट है वो हम क्या पुट कर देंगे, वन. सो क्यू नॉट की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी वन. नाउ आफ्टर डूइंग दिस नेक्स्ट पार्ट क्या है कि काउंट डिक्रीमेंट करो. काउंट हो गया कितना, वन. स्टिल इट इज ग्रेटर देन जीरो तो हमको और एक साइकिल करना पड़ेगा. साइन बिट नोट करके रखो. तो साइन बिट है हमारे लिए जीरो. लेफ्ट शिफ्ट करना है हमें तो ये तीन जीरोज इधर आ जाएंगे, यहाँ वाला वन इधर आ जाएगा, ये दो जीरो और वन, एंड लास्ट वाला बिट अभी के लिए हम खाली रखेंगे, ठीक है. अब जैसा हमने यहाँ पे नोट करके रखा है कि ए की साइन बिट क्या है यहाँ पे, जीरो. और जीरो रहेगा साइन बिट तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ए माइनस एम. सो यहाँ पे माइनस एम की वैल्यू हमने निकाल के रखा है विच इज 1101. तो ये आ जाएगा 110 कैरी वन और बाकी दोनों भी. नाउ आफ्टर डूइंग दिस साइन बिट देख लो नए ए का क्या है. तो साइन बिट है वन. तो साइन बिट अगर वन है तो उसका उल्टा वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी जीरो. सो क्यू नॉट की वैल्यू यहाँ पे हो गई जीरो. काउंट डिक्रीमेंट किया तो कितना आ गया, वो जीरो आ गया. और काउंट ग्रेटर देन जीरो है क्या, तो नो हो गया. नो हो गया तो हम आ गए हमारा लास्ट पार्ट में, यानी हम वो लूप से बाहर आ गए, इटरेशन खत्म हो गया. अब खाली लास्ट करेक्शन चेक करना है कि जो फाइनल आंसर आया है उसमें साइन बिट ऑफ ए क्या है, इज इट वन और इज इट जीरो. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं साइन बिट क्या है, वन है. सो फाइनल करेक्शन हमको परफॉर्म करेगा, जो भी ए की वैल्यू आई है इसको हम क्या करेंगे, प्लस एम कर देंगे. तो एम की वैल्यू है 0011, यानी हम क्या कर रहे हैं, ए इज इक्वल टू ए प्लस एम. दिस इज नथिंग बट फाइनल करेक्शन.
और ये ऐड करने के बाद हमको आ जाएगा 01 इज 1, 11 विल बी 0 कैरी 1, 11 विल बी 0 कैरी 1, 11 विल बी 0 कैरी 1, जो लास्ट वाला 1 आता है उसको हम डिस्कार्ड कर देते, तो ये वैल्यू हो गई ए की और क्यू की वैल्यू हो गई 0010। ठीक है, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो किस में रहता है, वो ए में रहता है, जो कितना आया हमें 0001, विच इज नथिंग बट 1। एंड जो क्वोशेंट हमें आता है वो किस में रहता है, क्यू में, क्या मिला हमें वो 0010, दिस इज बाइनरी फॉर 2। एज एक्सपेक्टेड 7 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्वोशेंट आ जाएगा 2 और रिमाइंडर आ जाएगा 1। सो आई होप ये प्रोसेस आपको क्लियर है कि हम ये कैसे परफॉर्म करते हैं। ऑलवेज नोट कि साइन बिट हम इनिशियल पिछले वाले इटरेशन का याद रखना रहता है हमको, नेक्स्ट इटरेशन में ए माइनस एम करना है कि ए प्लस एम करना है, क्योंकि कई बार लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद में साइन बिट चेंज हो सकता है और आप वो वाला बिट देख के डिसाइड नहीं करना चाहिए लेफ्ट शिफ्ट करके कि ए प्लस एम करना है कि ए माइनस एम, पिछले इटरेशन का जो वैल्यू है उसी को याद रखें। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।